कहानी है एक गीत की। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। गीत लिखने वाले आनंद बख्शी और कंपोज करने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत के बोल, सोना ले जा रे चांदी ले जा रे। इस गीत की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी। फिल्म की हीरोइन आशा पारेख भी इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग में पहुंच गई। ये गीत फिल्म की दूसरी कलाकार लक्ष्मी छाया पर शूट किया जाना था, लेकिन आशा पारेख वहां पहुंच गई, हीरोइन थी, और गाना गौर से सुनने लगी। रिकॉर्डिंग के समय ये गीत सुनकर आशा पारेख ने निर्देशक राज खोसला से कहा कि गीत कमाल का है, बहुत अच्छा गाना है, ये गाना तो मुझ पर शूट होना चाहिए। डायरेक्टर राज खोसला ने समझाया कि आशा जी, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि ये गाना आप पर फिल्माया जाए। लेकिन हीरोइन तो हीरोइन होती है भाई, आशा पारेख ने जिद पकड़ ली। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज से शुरू हुई, रूठना मनाना शुरू हो गया। भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी बात सुननी पड़ी, आखिर वो इस फिल्म की हीरोइन थी। तो निर्देशक महोदय को अपनी नायिका को प्रसन्न करने के लिए ये जिद माननी पड़ी और फिल्म में स्पेशल सिचुएशन निकाली गई, बनाई गई, जहां धर्मेंद्र जोगी बनकर फिल्म की नायिका फिल्म की हीरोइन आशा पारेख से मिलने आते हैं और नायिका उनको टालने के लिए छेड़छाड़ के साथ नखरे कर ये गीत गाती है। अब क्या करें, गीत की सिचुएशन तो लक्ष्मी छाया के लिए भी थी, तो लक्ष्मी छाया के लिए दूसरा गीत रिकॉर्ड किया गया और वो गीत था आया आया अटरिया पे कोई चोर। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फन अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं।